أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم मैं हूं डॉक्टर नईम। आज एक नए वीडियो के साथ मैं अपने देखने वालों को वेलकम करता हूं। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनके फेस पे एक्ने स्कार है, पिंपल्स के मार्क्स हैं या किसी भी किस्म के डार्क स्पॉट्स होते हैं, दानों से बनने वाले कोई भी निशानात हो या आपके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो आज मैं उसके लिए एक ज़बरदस्त क्रीम के बारे में बताऊंगा, जिसके बहुत से लोगों ने ऑलरेडी उसको यूज़ किया है और ना सिर्फ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हैं। सिर्फ कुछ दिन के रेगुलर यूज़ करने से इस मेडिकेटेड फार्मूला से आप अपने पिंपल्स को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि उससे बनने वाले निशानात भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको के चेहरे पर अगर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं तो वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेडिकेटेड फार्मूला को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको दो क्रीम की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास एक क्रीम है कॉन्ट्रासिटाबैक्स जेल, जो कि 20 ग्राम के ट्यूब में आती है, जो आपको किसी भी फार्मेसी से ईजीली मिल जाएगी। और इस क्रीम पर यह क्लियरली मेंशन है कि ये स्पेसिफिक स्कार के लिए है। इट्स मीन कि ये क्रीम आपको स्कार्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको क्रीम को कंप्लीट करने का फार्मूला बताऊंगा वो सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए आपको सेकंड क्रीम जो हमें ज़रूरत होगी वो है क्रीम स्केनोरिन, और ये स्केनोरिन क्रीम भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्रीम है डार्क स्पॉट रिमूव करने के लिए, दानों के लिए, या आपके फेस पर वाइट या ब्लैक हेड्स हो उसके लिए भी, या उनसे बनने वाले दानों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि दोनों क्रीम को किस तरह यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले आपने स्केनोरिन क्रीम को कॉन्ट्रासिटाबैक्स क्रीम के साथ फिंगर के साथ मिक्स करना होगा, और जो फ्रेश क्रीम होगा उसी वक्त आप उसको अपने इफेक्टेड एरिया पे लगाएंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि फॉर एग्जांपल दोनों क्रीम को पूरा मिक्स करके स्टोर करेंगे, नहीं, उसी वक्त आपने दोनों क्रीम से अपने ज़रूरत के मुताबिक क्रीम लेना होगा और अपने इफेक्टेड एरिया पे लगाना होगा। दोस्तों एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि दोनों क्रीम को इक्वल अमाउंट में आप मिक्स करें, ना कम ना ज़्यादा, और फिर सिंपली अपने चेहरे पे या किसी भी और इफेक्टेड एरिया पे आप इन दोनों क्रीम को लगा सकते हैं, जहाँ पे डार्क स्पॉट हो या पिंपल्स के मार्क हो या कोई और निशानात हो। इंशाल्लाह कुछ दिन के रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको अपने चेहरे पे वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।